अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ कि आपको पता है कि हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, बनते हैं ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे जैसे हमारी बॉडी से जब स्वेट निकलता है, यानी कि जब हमारे बॉडी से पसीना निकलता है, तो वो क्या है? वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है ना। अब आपको ये पता है कि ये वेस्ट प्रोडक्ट बनते कैसे, हमारी बॉडी में कहाँ से आते हैं ये वेस्ट प्रोडक्ट? तो हमारी बॉडी में जो सेल है ना, हमारी बॉडी का, आपको तो पता है हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट क्या है, हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट सेल है। तो सेल के अंदर क्या होता है, ये मैंने पहले पढ़ाया हुआ आपको कि सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर कुछ एक्टिविटीज होती है। वो क्या होती है, जब हमारी सेल के अंदर फूड जाता है तो सेल में क्या होता है, सेल में ऑक्सीजन के थ्रू वो फूड जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है उसका, और उसी से तो हमको एनर्जी मिलती है। ये तो होता है, केमिकल प्रोसेस एक होता है ना, जिससे हमको एनर्जी मिलती है। तो ये जो एक्टिविटी होती है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, है ना। तो ये एक्टिविटी होती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें एनर्जी भी निकलती है और इसके साथ वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलते हैं, ये मैंने पहले बताया हुआ आपको, ठीक। तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ये हमारी बॉडी में क्या होते हैं, ये हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं, है ना। तो इसे बॉडी से बाहर भी निकालना है, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, इनको बॉडी से बाहर निकालने को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। क्या कहते हैं इसको, इसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो आपको पता चल गया कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम, और आज हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, ठीक। तो वो कौन कौन से ऑर्गन होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में, एक्सक्रीटरी सिस्टम में होते हैं किडनी, देन यूरेटर्स, फिर ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, एंड लास्ट में यूरेथ्रा। ये कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो कंबाइंड होके क्या बनाते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे, ठीक। तो अभी हमने ये क्या जाना कि अभी हमने ये जाना कि जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको बॉडी से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो ये बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे। और इसको बाहर निकालने के लिए हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये तो मैंने बताया। और इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में टू किडनीज होती है, देखो ये दिख रहे हैं ना, टू किडनीज हैं, फिर दो यूरेटर्स हैं, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये टू यूरेटर्स हैं, एंड लास्ट में यूरिनरी ब्लैडर है, और इसकी जो ओपनिंग है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है यूरेथ्रा, ठीक है। तो ये तो ऑर्गन्स हो गए, अब हम समझेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम जानेंगे किडनीज के बारे में, ये जो आपको दिख रहा है ना, तो सबसे पहले इसका हम शेप जानते हैं, कैसा दिख रहा है ये किडनीज कैसी दिख रही है, बीन शेप्ड, है ना। आपने कभी राजमा तो खाया है ना घर में, सभी बच्चों ने खाया होगा, तो जो राजमा का शेप होता है उस टाइप की ये किडनीज होती है, देखने में वैसी दिखती है। अब ये कहाँ पे होती है हमारी बॉडी में, है ना, ये भी पता करना है। तो जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये कहाँ होती है, बेसिकली ये पीछे होती है, मतलब बैक साइड में, हमारी जो बैक बोन है उसके दोनों तरफ होती है, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, ठीक है। तो ये तो होगी इसकी लोकेशन, ये कहाँ होती है, हमारी बैक बोन में होती है, और सॉरी हमारी बैक बोन के लेफ्ट साइड और राइट साइड के दोनों तरफ होती है ये किडनीज, ठीक है। तो ये हो गई इसकी लोकेशन। अब इसमें क्या होती है, अब इसमें ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो लेफ्ट साइड से भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जुड़ा है, राइट साइड से भी जुड़ा हुआ है, जुड़ा है ना। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है यूरेटर, ठीक। और ये यूरेटर किससे कनेक्टेड है, ये दोनों यूरेटर किससे कनेक्टेड है, ये जो बैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है उससे कनेक्टेड है, और उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और ये यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ये मस्कुलर एक ऑर्गन होता है, मतलब ये इलास्टिक होता है, ये बढ़ भी सकता है और छोटा भी हो जाता है। तो जब इसके अंदर यूरिन भर जाती है तो ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, और जब यूरिन हम पास कर देते हैं तो ये वापस नॉर्मल साइज में आ जाता है, ठीक। और जो इसकी लास्ट ओपनिंग है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं यूरेथ्रा। तो क्लियर, तो ये डायग्राम तो आपको समझ में आ गया कि क्या हुआ, कि जो किडनी है वो हमारे बैकबोन के लेफ्ट साइड और राइट साइड में होती है, ठीक है। अब इस डायग्राम में आपको ये भी दिख रहा है, ये रेड कलर का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, और ये ब्लू कलर की दिख रही है। अब ये दोनों क्या चीज है, जैसे मैंने अपने पिछली क्लासेस में बताया था कि जो आर्टरीज होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, और उन्हें हम क्या रेड कलर से डिनोट करते हैं डायग्राम में, और ऐसे ही वेन्स जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, उन्हें हम क्या किस कलर से डिनोट करते हैं, ब्लू कलर से, है ना।
तो वही दिख रहा है इसमें डायग्राम में। तो इसमें क्या है, ये जो रेड कलर वाली ट्यूब है इसे हम क्या कहते हैं, रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी क्यों कहते हैं, क्योंकि यही आर्टरी जो है किडनीज में जाती है, किडनी का एक नाम रीनल भी है, तो इसलिए हम इसको रीनल आर्टरी कहते हैं। और इसी तरीके से जो ब्लू वाली लाइन है ट्यूब है उसे हम क्या कहते हैं, रीनल वेन कहते हैं। ये भी जाती है, क्यों, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो रीनल आर्टरी ले जाती है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये किडनी से वापस ले जाती है, वो कौन सी है, रीनल वेन। क्लियर, तो ये हो गई रीनल आर्टरी और रीनल वेन। ठीक है, तो अब हम समझेंगे किडनी का फंक्शन। किडनी का फंक्शन क्या होता है, है ना, तो किडनी क्या है, जो हमारी बॉडी में जैसे मैंने बताया कि आर्टरी से क्या हो रहा है, किडनी में क्या जा रहा है, ब्लड जा रहा है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, मतलब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जा रही है, और ब्लड से ऑक्सीजन जा रही है, और क्या जा रहा है, और जा रहा है फूड किडनी के अंदर, है ना। लेकिन इस ब्लड में क्या होता है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं, होते हैं ना, जैसे मैंने बताया कि जब मेटाबॉलिज्म होता है सेल में तो उससे वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, है ना, जो ऑक्सीजन जो फूड को तोड़ती है सेल के अंदर, तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं। तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये भी ब्लड के अंदर रहते हैं, अब इनको ब्लड से बाहर आना है ना, उसको ब्लड से बाहर जाना है, क्योंकि ये अगर ये वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी के अंदर रहेंगे तो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, है ना, तो इसे बाहर जाना है। तो इसको फिल्टर करने का काम कौन करता है, इसको फिल्टर करने का काम ये जो हमारी किडनीज है ये करती है। तो इसको आप एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हो कि आपने कभी देखा है कि फिल्टर पेपर में अगर आप कोई सॉल्यूशन है जिसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटीज है, मतलब थोड़ी सॉलिड इम्प्योरिटीज है, कुछ पत्थर या कुछ ऐसा आपने डाल दिया सॉल्यूशन में, ठीक है, तो जब आप उसको फिल्टर पेपर से छानोगे, है ना, जब फिल्टर करोगे तो क्या होगा, जो लिक्विड चीज है ना, जो लिक्विड सब्सटेंस है वो तो नीचे आ जाएगा, और जो सॉलिड सब्सटेंस है वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा। तो यही काम हमारी क्या करती है, हमारी किडनीज करती है। हमारी किडनी क्या करती है, जो वेस्ट है उसे क्या करती है, उसे फिल्टर करती है। कैसे करती है, उस किडनी के अंदर कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, क्वाइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं नेफ्रॉन, कुछ इस टाइप के देखते हैं, ठीक है, किडनी के अंदर इस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं और बहुत सारे होते हैं। तो किडनी की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, वो है नेफ्रॉन। 1 मिलियन तक नेफ्रॉन किडनी के अंदर होते हैं, जो किडनी दिख रही है इसके अंदर ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, और बेसिकली यही जो है वो क्या करते हैं, वो वेस्ट को फिल्टर करते हैं। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि किडनी के अंदर क्या होता है, किडनी के अंदर इतने सारे नेफ्रॉन होते हैं और यही जो वेस्ट है ब्लड के अंदर उसको फिल्टर करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर देखो ये ब्लड वेसल जा रही है ना, तो ये ब्लड वेसल है जो इसके अंदर गई और इसके अंदर जाके इसने इसमें से जो वेस्ट मटेरियल है इसने इसको फिल्टर कर दिया। ठीक, तो जो फिल्टर किया वेस्ट मटेरियल वो अब कहाँ जाएगा, उसको भी तो कहीं जाना है, तो वो कहाँ जाएगा, उसे किडनी क्या करेगी, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम यूरेटर कहते हैं, इसके थ्रू कहाँ पे इकट्ठा करेगी, यूरिनरी ब्लैडर पे। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, जो वेस्ट था वो यहां से फिल्टर हुआ और यहां से फिल्टर होके कहाँ चला गया, यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक, और जो प्योर ब्लड था, जो छना हुआ ब्लड था, जो फिल्टर्ड ब्लड था, वो वापस सर्कुलेट हो गया, किडनी के बाहर चला गया। ठीक, तो अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर यूरिन जो थी वो कलेक्ट हो गई, अब इस यूरिन को पास भी होना है, तो हमारा ब्रेन है वो क्या कहता है, वो इंस्ट्रक्शन देता है, जब यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाता है, भर जाता है, तो हमारा ब्रेन इंस्ट्रक्शन देता है, तो उसके बाद ये जो ब्लैडर है ये इसके नीचे जो ओपनिंग है वो क्या है, यूरेथरा, तो इस ओपनिंग को ब्रेन इंस्ट्रक्शन देता है कि अब इस ओपनिंग को खुलना है, और ये ओपनिंग जब खुलती है तो यूरिन हम पास कर लेते हैं। क्लियर, तो ये हमारा क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आपको ये पता है कि एक जो नॉर्मल ह्यूमन बींग है, नॉर्मल एडल्ट है, वो 24 आवर्स में कितने यूरिन पास करता है, वो 1 से 1.8 लीटर यूरिन जो है, जो नॉर्मल एडल्ट है वो पास करता है 24 आवर्स में। ठीक, तो ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा, यूरिन में होता क्या क्या है, तो यूरिन में क्या होता है, यूरिन में 95% क्या होता है, वाटर होता है। यूरिन में क्या होता है, 95% वाटर होता है, 2.5% इसके अंदर क्या होता है, 2.5% इसके अंदर यूरिया होती है, और अदर 2.5% जो इसके अंदर होता है वो अदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारे यूरिन के अंदर होता क्या क्या है। ठीक, तो ये हमारा पूरा सिस्टम हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें हमने समझा कि जो हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट होता है वो कैसे बॉडी से फिल्टर होके बाहर निकलता है।
तो आपको पता है, तो आपको अभी ये समझ में आया होगा कि कितनी इम्पॉर्टेंट है किडनी हमारे लिए, है ना। और कभी कभी क्या होता है कि कभी किडनी खराब हो जाती है, कुछ इन्फेक्शन हो गया या कुछ और हो गया, तो जिससे कि किडनी खराब हो गई। अब क्या होगा, अगर किडनी खराब हो जाएगी तो जो सॉलिड सॉरी जो वेस्ट है हमारे बॉडी के अंदर, है ना, जो ब्लड में वेस्ट है वो तो ब्लड के अंदर ही रह जाएगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, बहुत सारे टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाएंगे जिससे हमारी लाइफ को थ्रेट है, है ना, हमारी डेथ भी हो सकती है। तो उस टाइम पे क्या किया जाता है, उस टाइम पे बाहर एक मशीन यूज की जाती है जो आर्टिफिशियल किडनी का काम करती है ना, और उसके थ्रू हमारे ब्लड को फिल्टर किया जाता है। और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डायलिसिस। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डायलिसिस। इसके बारे में डिटेल में आप अपने नेक्स्ट फर्दर क्लासेस में, मतलब बड़ी क्लासेस में, इसके बारे में डिटेल में समझोगे। अभी आप बस ये समझ लो कि डायलिसिस क्या है। डायलिसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें आर्टिफिशियल तरीके से बॉडी के बाहर, बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसको फिल्टर किया जाता है एक मशीन लगा के, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं डायलिसिस। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा पूरा सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हमने समझा। तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट है, एक तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी तो वेस्ट है, जब सेल में मेटाबॉलिज्म होता है, जब सेल में ये एक्टिविटी होती है कि क्या होता है, जब फूड टूटता है तो क्या होता है, एनर्जी बनती है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे भी बॉडी से बाहर जाना है, तो ये बॉडी से बाहर कैसे जाएगा, लंग्स के थ्रू, है ना, तो लंग्स भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। दूसरा जो मैंने पहले बताया कि स्वेट, स्वेट भी हमारी बॉडी से बाहर जाता है, है ना, स्वेट निकलता है, तो स्वेट में क्या होता है, स्वेट में भी वाटर होता है और सॉल्ट होता है ना, ये वेस्ट प्रोडक्ट है, तो ये भी हमारी बॉडी से बाहर जाना होता है। दूसरा स्वेट का क्या, सॉरी दूसरा स्वेट का क्या काम है, स्वेट जो है हमारी बॉडी को कूल रखता है, है ना, ठंडा रखता है, कि जब स्वेट निकलता है तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी कम होता है। तो कभी कभी आपने देखा है कि जब आप बहुत गर्मी हो और आप कोई शर्ट पहने हो और तो आपके अंडर आर्म पे व्हाइट कलर के पैचेस हो जाते हैं ना, तो वो क्यों होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि स्वेट में सॉल्ट होता है। इसकी वजह से जब आप कभी बहुत ज्यादा आपको स्वेटिंग होगी तो उसके बाद आपको व्हाइट पैचेस दिखेंगे, है ना, तो वो क्या है, वो सॉल्ट है। ठीक, तो ये तो हो गई स्वेटिंग की बात, और यूरिन जो पास करने वाली बात है, ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात है, वो मैंने आपको पहले ही बता दी। ठीक, और जो अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, अनडाइजेस्टेड फूड निकलता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इजेशन। What is the difference between excretion and ejection? तो excretion में क्या होता है? Waste product हमारी body से बाहर निकलता है। और ejection में क्या होता है? Ejection में हमारी body से undigested food बाहर निकलता है। तो ये बहुत important है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि excretion और ejection में क्या difference है? क्या difference हुआ? Ejection में undigested food बाहर निकलता है हमारी body से, और excretion में waste product हमारी body से बाहर निकलता है। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से आपको ये वाला टॉपिक समझाया है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो रही है, तो आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ लोगे, है ना। और आपको क्या करना है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आपको सब्सक्राइब करना है और बेल बटन प्रेस करना है, जिससे आपको मेरे सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और क्या करना है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करना है, जिससे और बच्चे भी इसको देख सके, है ना। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।